हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं पढ़ाई में अच्छी चल रही होगी आप सब लोगों की और पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। और चलते हैं आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 का, और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें मैंने दोनों पार्ट कवर कर दिया। एंटी एंजाइनल एजेंट का एक ही ड्रग था तो मैंने वो इसी में कवर कर दिया है, ठीक है। स्टार्ट करें। हेडिंग क्या है हमारी? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। आप समझते हैं क्या चीजें हैं ये सब? तो बच्चों, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट अगर हम बात करें तो देखो यहां पर क्या है। हाइपर, हाइपर मतलब तुम लोगों को पता होगा बच्चों क्या होता है। पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। हाइपर का मतलब क्या है? जब आप कोई चीज ना हाइपर बहुत ज्यादा हो जाए। हाइपर का मीनिंग कोई चीज जब बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। और टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स या प्रेशर। तो ये वर्ड बना है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है या फोर्स बहुत ज्यादा हो रही है। कहां ज्यादा हो रही है? ऑब्वियस ही बात है, हमारे खून का जो बहाव है, नसों में जो बह रहा है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना, ज्यादा तेजी से खून बहेगा। देखो क्या दिक्कत है, छोटी सी बात बताऊं मैं। किसी पाइप में अगर पानी बहुत तेजी से बहेगा, उसमें प्रेशर और बढ़ाओ, वो पाइप एक बार क्या हो सकता है? फट सकता है। ऐसे हमारे दिमाग की नसों में जब प्रेशर बहुत तेज बढ़ जाता है तो दिमाग भारी होने लगता है, और जिनके साथ हाई बीपी की प्रॉब्लम है, एक्चुअली हाइपरटेंशन, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, हाइपरटेंशन कुछ और नहीं है, ये हाई ब्लड प्रेशर को शो करता है। हाइपरटेंशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई ब्लड प्रेशर को दिखाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, सर भारी होने लगता है, चक्कर आता है कई बार, ठीक है ना। गुस्सा कई बार बहुत ज्यादा होता है, और सबसे बड़ी बात बताओ, हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। हार्ट की जो नसें होती फट सकती है, और फट जाएंगी तो हार्ट काम नहीं करेगा, या ब्रेन, तो कोई नस फट गई तो वहां क्लॉट हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आओ देखते हैं हमारे पास क्या है हाइपरटेंशन। कह रहा व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन है क्या? मैंने समझा दिया, बहुत ज्यादा टेंशन। टेंशन का मतलब है ना, धागे में खींचो तो टेंशन हो जाता है, वही टेंशन है, वही प्रेशर है, उसी से वर्ड बन गया हाइपरटेंशन। और नसों में खून बहता है, लास्ट मैंने समझाया था जब हार्ट का बता रहा था, क्या कहते हैं, खून जब बहता तो पंप करता तो प्रेशर से वो आगे बढ़ता है, कौन? खून। तो देखो हाइपरटेंशन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको HTN या HTB बोल देते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाई बीपी भी कहते हैं, HBP। इट इज अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन। ये लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज, ये थोड़ा सा पार्ट कट गया, आर्टरीज इज परसिस्टेंटली मतलब लिख लो हिंदी में लगातार, एलिवेटेड मतलब जो चीज बढ़ी हुई है। तो यहां पे लिख सकते हो ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज कंटिन्यूअसली हाई, ऐसे अपनी हिंदी बना लो, मतलब इंग्लिश को थोड़ा चेंज कर लो, ठीक है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाती है जो बच्चे समझ सकते हैं, अच्छी बात है, पर मैं समझाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन, बहुत लंबे समय तक या लंबे समय तक रहती है इसमें हाई बीपी का, ऐसा नहीं होता एकदम हुआ एकदम कुछ हो जाएगा, ये धीरे 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 बीपी हाई रहेगा, साल, दो साल, तीन साल, और वो हार्ट के नसों पर असर डालना स्टार्ट करती है धीरे धीरे। तो लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर यूजली डज नॉट कॉज सिम्टम, ये भी इसकी खासियत है। बीपी हाई है केवल पता नहीं चलता है, 80-120 नॉर्मल होता है, लास्ट में बात की थी हम लोगों ने, 120 से 130 हो जाएगा फर्क नहीं पड़ता, कई बार 140-145 जब आता है तब थोड़ा सा दिक्कत मालूम पड़ती है। तो हल्का सा बीपी, अच्छा 120 से 130 हो गया, साल भर बीपी वही रहा, फर्क नहीं पड़ा, हमारे बॉडी को आदत पड़ गई। 130 से 140 हुआ, फिर साल भर वैसा ही रहा, हमारे शरीर को आदत पड़ गई, हमको पता नहीं चला। इसीलिए होता क्या है, ये कोई सिम्टम नहीं दिखाता है, सीधा सीधा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा पता नहीं चलेगा, अगर मान लो कोई सिम्टम नहीं दिख रहा तो इतना बढ़ जाएगा पता नहीं चला तो नस फाड़ जाएगा, वो नस फट गई तो खेल खराब, गया आदमी नाम से। बात समझ में आ रही ना? तो हाई बीपी यूजली मतलब आमतौर पर डज नॉट कॉज एनी सिम्टम, जनरली कोई सिम्टम दिखाता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को चक्कर
लॉन्ग टर्म हाई बीपी प्रेशर हाउ एवर, जो लॉन्ग टर्म लंबे समय से बीपी है हाउ एवर, ठीक है, इज अ मेजर रिस्क फैक्टर, ठीक है ना, जो लॉन्ग टर्म से बीपी है वो, लेकिन वो हाउ एवर, ठीक है ना, इज अ मेजर रिस्क फैक्टर, वो एक मेजर रिस्क फैक्टर है किसका, स्ट्रोक का। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक कुछ नहीं है, स्ट्रोक हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का कहते हैं शॉक टाइप का, कि नस का फटना या इस टाइप का, उसको हम स्ट्रोक बोल सकते हैं, ठीक है ना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हम लोग देखेंगे हार्ट हमारे मसल्स मांसपेशियों में कैपिलरीज के द्वारा ब्लड की सप्लाई होती है, अगर वो कैपिलरीज ब्लॉक हो जाए तो नस की खून की सप्लाई नहीं होगी, खून की सप्लाई नहीं होगी तो हाथ पैरों में तो सुन्नपन आता है, क्योंकि यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ट में अगर खून की सप्लाई रुक गई तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, डेथ हो जाएगी। तो हार्ट की जो आर्टरी है जहां पर जनरली खून की सप्लाई रुकती है उसको क्या नाम बोला गया है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोला गया है, ठीक है, नाम दे दिया गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये हार्ट की आर्टरी का नाम है, वो आर्टरी जो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन यानी कि एक तरह से ब्लड लेके जा रही है, और ब्लड के थ्रू क्या पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है ब्लड के थ्रू उस मसल्स पे, हार्ट की मसल के पास क्या जा रही है, ऑक्सीजन। हार्ट की मसल्स लगातार लगातार काम कर रही है, थकती नहीं है, क्यों, लगातार उसके पास ब्लड की सप्लाई जा रही है, ब्लड की सप्लाई से लगातार उसके पास न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जाना बंद हो गया तो खेल खत्म, ठीक है। हार्ट फेलियर हो सकता है, आर्टेरियल फाइब्रेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो आर्टरियां होती है ऊपर की उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ठीक है, पेरिफेरल आर्टरीज जो हमारे बाहर की तरफ आर्टरीज है उनकी डिजीज होती है। विजन लॉस हो सकता है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा आंखों पे है तो आंखों की रोशनी जा सकती है, बहुत लंबे समय तक ऐसा होता है। क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी का फेलियर भी हो सकता है या किडनी की कोई बीमारी बन सकती है। एंड डिमेंशिया, है ना, जो हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है, डिमेंशिया क्या होता है, वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से हाई बीपी एक लंबे समय से अगर रहेगा तो एक टाइम पर ये सारी प्रॉब्लम में से कोई एक आध प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बात समझ में आया। इसीलिए बीपी को कंट्रोल रखने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं, बेस्ट तरीका कुछ नहीं है, रोज 15 मिनट दौड़ लो, खेल खत्म, ना बीपी होगा ना फैट बढ़ेगा ना कुछ होगा, क्लियर है। आते हैं कॉज ऑफ हाई बीपी, है ना, हम लोग कहते हैं कि बीपी हाई है क्यों, मोटापे की वजह से बीपी हाई है क्यों, फैट बहुत ज्यादा, नहीं, हर बार मोटापा और हर बार जो फैट होता है वो बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो इंसान मोटा हो या कोई इंसान जैसे नॉर्मल साधारण होगा उसका बीपी हाई हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि फैट की वजह से ही हाई हो। हम लोग यहाँ ये आमतौर पर ज्यादातर फैट और मोटापा, मोटापा है मतलब फैट बॉडी के अंदर, उसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमता है, उसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा कॉज जानने की कोशिश करते हैं। थिंग्स डेट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ गेटिंग हाई ब्लड प्रेशर, वो चीजें थिंग्स डेट कैन जो कर सकती है इंक्रीज योर रिस्क ऑफ गेटिंग हाई बीपी, आपके हाई बीपी को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, बीपी को हाई कर सकती है। यू माइट बी मोर एट रिस्क इफ, माइट मतलब संभावित है, तुम लोग संभावना है कि बहुत ज्यादा रिस्क हो, कब हाई बीपी का रिस्क सबसे ज्यादा कब हो जाएगा, अगर आप क्या हो, ओवरवेट हो, ओवरवेट मतलब मोटापा, लिख लो हिंदी में, ओवरवेट का मतलब मोटापा। ईट टू मच सॉल्ट, नमक बहुत ज्यादा खाओगे, देखो नमक बहुत ज्यादा खाओगे तो जब ब्लड में आता है, ठीक है ना, तो नमक ज्यादा खाने की वजह से क्या होता है, बॉडी में यूरिन बहुत ज्यादा पास नहीं होती है, पानी बॉडी के अंदर रह जाता है, ब्लड तो 5 लीटर है ना, और हम पानी पी रहे हैं उसमें 5.5 लीटर कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं तो बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, नमक की वजह से। एंड डू नॉट ईट इनफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, बहुत ज्यादा फ्रूट वेजिटेबल नहीं खा रहे, अच्छा फ्रूट वेजिटेबल नहीं खाओ तो भी चलेगा, भाई गरीब आदमी नहीं खाता है, लेकिन साथ साथ में ऐसा तो नहीं ना कि बहुत ज्यादा नमक खा रहा है, तो क्या है लोग टेस्ट के लिए नमक डाल लेते हैं ज्यादातर, हर चीज में नमक, हर चीज के नमक के साथ स्वाद आता है। डू नॉट इनफ एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो सबसे अच्छी चीज है सवेरे रोज आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज देखो आप क्या कर सकते हो, पहले लेक्चर डिस्कस किया है, इस बार एक्सरसाइज ना किया हो, रस्सी ले लो, स्किपिंग कर सकते हो, ठीक है ना, कहीं आसपास में फील्ड है ग्राउंड है, आधा घंटा जाओ टहल के आ जाओ या हल्का फुल्का रनिंग कर लो, ओके। या कुछ लोग टू मच अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल पीते हैं ना, अल्कोहल वो या कॉफी, देखो कॉफी खतरनाक है, कॉफी से बीपी बढ़ती है, ठीक है, कई बार तुम लोग देखना अपने आसपास जिसका बीपी लो होता है तो डॉक्टर कहता है इसको जाके कॉफी पिला दो, कॉफी पिलाते ही बीपी हाई हो जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या है कॉफी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्कोहल जो पिएगा उसका बीपी हाई हो जाएगा। और अदर कैफीन बेस्ड ड्रिंक, कैफीन में तुम्हारा स्मोकिंग आ जाता है, ठीक है,
कहीं ना कहीं तुम्हारी चाय भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल रहती है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो स्मोक भी आ गया, स्मोक में भी क्या रहता है हमारे पास, कैफीन रहता है, ठीक है। कुछ और क्या कारण है, डू नॉट गेट मच स्लीप और हैव डिस्टर्ब्ड स्लीप। तुम लोग बच्चों एक चीज देखना, जो लोग थोड़ा सी फील करते होंगे, अगर आप खा पी सब कुछ फिट हो एकदम, लेकिन नींद अगर आपकी लगातार डिस्टर्ब है 10-15 दिन के बाद, तो तुमको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी हाई बीपी की प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो नींद पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। आप ओवर 65, जो लोग 65 के ऊपर है उनकी आर्टरीज वगैरह थोड़ी सी सुकड़ वगैरह जाती है, तो उनकी वजह से उनका बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। हैव अ रिलेटिव विद हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, यानी कि हैव अ रिलेटिव, यानी कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उनका कोई फैमिली में केस हो जिनके हाई बीपी रहता है, तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि बच्चों के अंदर भी हाई बीपी हो जाता है। आर ऑफ ब्लैक अफ्रीकन और ब्लैक कैरेबियन डिसेंट, या फिर उनका जो डिसेंट है, डिसेंट मतलब पूर्वज, वो किसके हो, ब्लैक अफ्रीकन हो या ब्लैक कैरेबियन हो, लिव इन ए डिप्राइव्ड एरिया। डिप्राइव्ड मतलब ऐसा एरिया जहां प्रॉपर चीजें नहीं है, लाइट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है और तमाम चीजें होती है, तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं तुम्हारे हाई बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवरवेट तो है ही है, उसके अलावा ये सारी चीजें भी बीपी को हाई कर सकती है। अच्छा क्या कह रहे हैं आगे, मेकिंग हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस कैन समटाइम हेल्प रिड्यूस योर चांस, की बातें बता रहा है कि अगर हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, मैदा वाली चीजें खाना बंद कर दो, मैगी नूडल चाउमीन, ठीक है, मोमो, जितना मैदा वाली चीजें बंद कर दो, शुगर चीनी थोड़ा खाना कम कर दो, नमक थोड़ा खाना कम कर दो, एक्सरसाइज शुरू कर दो, ये हो गया हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। चेंजेस कैन समटाइम हेल्प रिड्यूस योर चांस ऑफ गेटिंग हाई बीपी एंड हेल्प लोअर योर बीपी इफ इट्स ऑलरेडी हाई। अगर आपको शिकायत है, आपके आपको लगता है कि आपके माँ बाप का हाई बीपी है और संभावना है कि आपके अंदर हो सकती है, तो आप अगर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कर लेते हैं तो कह रहा है समटाइम हेल्प करता है ये रिड्यूस योर चांस ऑफ गेटिंग हाई बीपी, तो संभावना है कि आपको हाई बीपी नहीं होगा, या फिर अगर हाई बीपी है तो उसको लोअर करने में हेल्प करता है कौन, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है ना। काफी अच्छा है, हेल्दी लाइफस्टाइल सबकी होनी चाहिए, मॉर्निंग में जल्दी उठो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल में भले एक बार का खाना पीना कुछ ढंग का ना खा पाओ कोई बात नहीं, आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी हो गई है, सुबह निकलो शाम को घर आता है इंसान, लेकिन रोज सुबह उठ के आधा घंटा एक्सरसाइज अगर कर ले तो काम हो जाता है। आगे आते हैं, नॉन कॉजेस ऑफ हाई बीपी, ठीक है, कौन कौन से कॉज हैं जो कि जानते हैं जिनकी वजह से हाई बीपी हो सकता है, मोटापे को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, मोटापे को छोड़ करके। तो देखो, हेल्थ कंडीशन दैट कैन कॉज हाई बीपी इंक्लूड, कुछ हमारी हेल्थ की कंडीशन, कुछ हमारे बीमारियां ऐसी पाई जाती हैं, उन बीमारियों में बीपी हाई हो जाता है, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो बीपी उसका हाई रहेगा, किसी को डायबिटीज है तो बीपी हाई रहेगा, लॉन्ग टर्म किडनी इंफेक्शन, बहुत लंबे समय से किडनी का इंफेक्शन है तो बीपी हाई रहेगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनोया, ठीक है ना, क्या कह रहा है, वेयर द वॉल्स ऑफ द थ्रॉट रिलैक्स एंड नैरो ड्यूरिंग स्लीप इंटरप्टिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, जो ये होता है ना हमारा थ्रॉट, यहाँ की जो वॉल्स होती है रिलैक्स हो जाती है, ठीक है ना, और जब हम सोते हैं तो ये डिस्टर्ब करता है, तो कह रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी सीधी बात है, यहाँ पर एक लाइन वर्ड लिख सकते हैं, अगर नींद पूरी ना हो पा रही हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड आ गया, ठीक है, ये इफेक्ट होता है, दिस इज नॉट इन द कोर्स, बट ये सारी चीजें रहेंगी तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चीजें हमारे समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, कोर्स मतलब ऐसा पूछेगा नहीं तुमसे कि कॉज बताओ, ठीक है। आगे आते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्या ये पता है कहां पाए जाते हैं, ग्लोमेरुलस किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं, उनका नेफ्राइटिस अगर उनका इंफेक्शन हो जाए, क्या कह रहा है, डैमेज टू द टाइनी फिल्टर इनसाइड, किडनी के अंदर खून को फिल्टर करने के लिए, साफ करने के लिए एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, उनमें इंफेक्शन हो जाए तो कहा जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना, और अगर उसके अंदर इंफेक्शन हो जाए तो कहा जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, यानी कि ओवरऑल आगे बात किडनी की, किडनी में इंफेक्शन आ गया। आगे आते हैं, नैरोइंग, पतला हो जाना किसका, आर्टरीज का, सप्लाइंग द किडनी, वो आर्टरीज जो किडनी को दे रही है खून वो क्या हो जाए, पतली हो जाए। हार्मोन प्रॉब्लम, ठीक है, सच एज एंड
अंडर एक्टिव थायराइड, थायराइड हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव ना, थायराइड हार्मोन प्रॉपर थायराइड से ना निकाल रहा हो, एंड ओवर रिएक्टिव थायराइड या थायराइड बहुत ज्यादा निकाल रहा हो, कशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेग्ली, इंक्रीज लेवल ऑफ द हार्मोन एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये सारी वो कंडीशन है कि अगर हार्मोन्स का बॉडी में कम ज्यादा हो जाए तो भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। बस इसमें ये कशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेग्ली बीमारियां हैं, हार्मोनल बीमारियां हैं। ल्यूपस, ए कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द स्किन, जॉइंट्स एंड ऑर्गन। ल्यूपस, ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है, हमारा इम्यून सिस्टम बाहर से कोई चीज हमारी बॉडी में आती है तो उसको बाहरी समझ के अटैक करके मार डालता है, लेकिन क्या हो, हमारी बॉडी की जो सेना है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी की फौज है जो बाहरी बैक्टीरिया वायरस को किल करती है, वो हमारे ही बॉडी के किसी पार्ट को दुश्मन समझ ले, किस किस को दुश्मन समझ सकती है, हमारी स्किन को दुश्मन समझ ले, हमारे जॉइंट को दुश्मन समझ ले, या हमारे किसी ऑर्गन को दुश्मन समझ ले, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसी के ऊपर अटैक करने लगता है। बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है ये, ठीक है ना, ऐसे सिचुएशन में बीपी हाई हो जाता है। स्क्लेरोडर्मा, अ कंडीशन दैट कॉजेस थिकेंड स्किन, स्किन ना चमड़ी मोटी जैसी होती है, गेंडे खाल जैसी बहुत मोटी हो जाती है, दैट इज योर स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। तो ये कुछ और है, ये कुछ वो समस्याएं हैं, ये कुछ वो समस्याएं हैं जो क्या है कि बीमारियां हैं, इनके होने पर बीपी अपने आप क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि बिना वजह आप नॉर्मल हो, हेल्दी हो, फैट नहीं भी है, लेकिन अगर ये बीमारियां हैं तो बीपी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो दो चीजें हम लोगों ने जानी, एक जाना बीमारी की वजह से भी कुछ बीमारियां ऐसी जिनकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, तो हर बार जरूरी नहीं है कि मोटापा ही हो, ये वाली कंडीशन जो ऊपर हमने पढ़ी हुई ज्यादातर एज लेके मोटापे को लेकर के ये सब बातें पढ़ी हम लोगों ने, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, मेडिसिन दैट कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। कई बार ऐसा होता है हम लोग कुछ मेडिसिन खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, कुछ मेडिसिन खाते हैं जिनकी वजह से वो मेडिसिन हमारा बीपी क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, ठीक है ना, बच्चों में अंतर रखने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाई जाती है, है ना, एक बच्चे का दूसरा बच्चा ना हो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जो महिलाएं ये गोलियां खाती हैं उनको बीपी की शिकायत होने की संभावना बढ़ जाती है, हाई बीपी हो सकता है। स्टीरॉयड, जो लोग स्टीरॉयड ले रहे हैं, जो लोग क्या ले रहे हैं, स्टीरॉयड, स्टीरॉयड पता है ना क्या होता है, देखा होगा करके जो एथलीट्स वगैरह होते हैं स्टीरॉयड लेते हैं अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, वो ड्रग्स लेंगे तो बीपी बढ़ सकता है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज, ठीक है ये पढ़ेंगे हर टॉपिक में भी है, NSAID सच एज आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन। आइबुप्रोफेन, IBUC या ब्रूफिन के नाम से टैबलेट आती है ना, ब्रूफिन के नाम से टैबलेट आती है जिसके अंदर आइबुप्रोफेन होता है, ये क्या कर सकता है, या आइबुजेसिक सुना होगा तुम लोगों ने, एक टैबलेट आती है आइबुजेसिक, उसको देखोगे उसके अंदर एक सॉल्ट पाया जाता है, ये जो दवा है ये भी क्या करती है, बीपी को बढ़ा देती है। सम फार्मेसी कफ एंड कोल्ड रेमेडीज, कुछ कफ और कोल्ड ऐसे होते हैं, कोल्ड सिरप या टैबलेट जो कि हमारे बीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। सम हर्बल रेमेडीज, पर्टिकुलरली दोस कंटेनिंग लिक्योराइस, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिसके अंदर खास करके क्या होता है, लिक्योराइस नाम का केमिकल पाया जाता है, वो हमारे बीपी को बढ़ा सकता है। सम रिक्रिएशनल ड्रग सच एज कोकेन एंड एम्फेटामाइन, ठीक है ना, रिक्रिएशनल ड्रग्स कोकेन और एम्फेटामाइन, ये क्या होते हैं, ये भी हमारे बीपी को बढ़ा सकते हैं। सम सिलेक्टिव सीरोटोनिन नॉन एड्रेनालिन रिअप्टेक इनहिबिटर्स SSNRI, इसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं पहले कई सारे लेक्चर में, मतलब सीधी सी बात ये है। एंड एंटी डिप्रेसेंट सच एज वेनलाफैक्सिन, ये एक एंटी डिप्रेसेंट है। तो ओवरऑल बात ये है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। मान लो आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि दर्द हो रहा है शरीर में, आपने खा ली ब्रूफेन, बीपी वो और बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो जब सिचुएशन ऐसी होती है कि ऑलरेडी आप किसी बीमारी में हो, तो कोई भी मेडिसिन खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, ठीक है, उनको नॉलेज होती है कि कौन सी दवा क्या कर रही है, ठीक है। इन दीज केसेस योर ब्लड प्रेशर मे रिटर्न टू नॉर्मल वंस यू स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन और ड्रग। कह रहा है कि जो केस है जहां पे हम दवाइयां खा रहे हैं किसी वजह से, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रही महिला है, अभी खाना बंद कर दे, तो इनका बीपी अपने आप क्या आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। क्यों बढ़ाई इसलिए है, क्योंकि वो दवा खा रहे थे, दवा खाना छोड़ दिया तो बीपी वापस से नॉर्मल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।
अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल 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 बहुत सुनते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तुम्हारा हमारा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी सब्सटेंस, एक चिपचिपा वैक्स टाइप का सब्सटेंस होता है, फाउंड इन योर ब्लड, हमारे ब्लड में पाया जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है हमारे सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर तालाब से ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है समझते हैं। देखो हमारे पास नॉर्मल आर्टरी ऐसी होती है और कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये आर्टरीज में, यहां देखो ये जमना स्टार्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल जो है ये यहां पर जमना स्टार्ट हो गया। ये क्या करेगा, आर्टरीज को कई बार फाड़ भी देता है, ठीक है ना। ये देखो ये सारा जम गया इस तरीके से, ये अच्छा फाड़ेगा नहीं तो ऐसा हो सकता है जमता चला जा रहा है। देख लो ये बिल्कुल ब्लड वेसल मेरी कैसी हो गई है, पतली हो गई, कितनी मोटी थी पतली हो गई है। पतली होने की वजह से जो ब्लड इसके अंदर से निकल रहे हैं वो कई बार क्या होता है उसमें जम जाएंगे, थक्का जम जाएगा। जैसे ही थक्का जमेगा ये आर्टरी मेरी ब्लॉक हो जाएगी, और अगर ये आर्टरी हार्ट की हुई तो इंसान भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऑटोमेटिक उसकी डेथ हो जाएगी भाई जब ये यहाँ पे जम गया सब कुछ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है और समझते हैं। ये देखो ये कोलेस्ट्रॉल जम डिपोजिशन है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। इतना इतनी चौड़ी नस थी मेरी, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। अब इसके अंदर से जब ये निकलता है तो यहाँ पर कई बार क्या होते हैं ब्लड, ये देख लो आरबीसी, ये कई बार यहाँ पर क्या होते हैं इतनी छोटी होती है ये फंस जाती है, यहाँ पर फंस जाएगी तो क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा तो ब्लड का आगे फ्लो होना बंद हो जाता है। बात समझ में आई? तो कोलेस्ट्रॉल जितना भी हम लोग यहाँ ड्रग्स पढ़ेंगे वहां पे हम एंटी कोलेस्ट्रॉल नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना। हमारी ड्रग्स क्या काम करेगी, जितने हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर इसको डायलेट कर देगी, डायलेट मतलब पूरी नस को थोड़ा सा फैला देगी, ये कोलेस्ट्रॉल में कमी नहीं करेगी, ध्यान रखना। जो हम लोग आज ड्रग्स पढ़ेंगे वो इसको थोड़ा सा फैला देगी, फैलाने से क्या होगा स्पेस क्रिएट हो जाएगा और ब्लड हमारा इजीली जा पाएगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, वैक्सी सब्सटेंस है, फाउंड इन योर ब्लड, योर बॉडी नीड्स कोलेस्ट्रॉल, तुम्हारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है टू बिल्ड हेल्दी सेल्स यानी कि नए सेल्स बनाने के लिए। बट हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल है, कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, अगर लेवल हाई हो जाएगा तो ही हार्ट डिजीज होगी, अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में रहता है हमारे फायदे के लिए, हमारे भले के लिए रहता है। विद हाई कोलेस्ट्रॉल यू कैन डेवलप फैटी डिपॉजिट्स इन योर ब्लड वेसल, ये फैटी डिपॉजिट हमारे ब्लड वेसल में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही हो। तो कोलेस्ट्रॉल आता कहां से है, कोलेस्ट्रॉल आता है इसी से, समोसा चाउमीन मोमोज मैगी है ना, इतना ही बाहर का अगर खा रहे ना बाहर, कभी तुम लोग एक काम करना आज के बाद, जो लोग तला हुआ बाहर का खाते हैं उनके पास जो तेल रखा होगा जिसमें वो लोग आमलेट बना रहे हैं, जिसमें वो लोग मैगी बना रहे हैं, जिसमें वो लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, उससे कहना भैया जरा अपना तेल दिखाओ, और तेल देना किस कंपनी का, उसका ब्रांड क्या है, और उसकी पूरी छानबीन करना क्या क्या इंग्रीडियंट है, पता चल जाएगा तुमको, ठीक है ना। तेल भी थर्ड पार्टी का कई बार इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं पता होनी चाहिए तुम सब लोगों को। चले आगे, ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यहां तक हमने बातें कर ली कि हाइपरटेंशन होता क्यों है, उसके क्या क्या कारण हैं। तीन कारण पढ़े, एक जनरल कारण था, ठीक है, दूसरा कारण क्या था, किसी बीमारी की वजह से बीपी बढ़ सकता है, या हम लोग कोई मेडिसिन खा रहे हैं उसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। अब क्लासिफिकेशन करना है हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, तो उससे पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। क्या बातें, आओ देखें बातें क्या है, देखते हैं। एक टर्म है डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का मतलब, एक टर्म है मेरे पास डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स मतलब उन सभी ड्रग्स को कहते हैं जो मूत्र यूरिन के अधिक निर्माण में यानी कि फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। पेशाब बहुत ज्यादा बनेगा तो उससे क्या फायदा होगा, क्या बीपी लो हो जाएगा, यस बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा, जब पेशाब बहुत ज्यादा निकलेगा शरीर से तो अपने साथ साथ वो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम को बाहर लेके निकल जाता है। अभी हमने पढ़ा था बॉडी के अंदर नमक खाने से बीपी बढ़ जाता है, तो नमक के अंदर क्या होता है सोडियम होता है, क्लोरीन नहीं बढ़ाता सोडियम बढ़ाता है, सोडियम पेशाब के साथ जितना बाहर आ जाएगा, जैसे बाहर आएगा बीपी मेरा लो हो जाएगा। तो हम लोग डायबिटिस, कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं डायबिटिस का भी इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्या है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओके। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे आओ देखते हैं, यानी कि जो कैल्शियम का चैनल है वो ब्लॉक हो जाएगा। हम लास्ट टाइम पढ़ा था पिछले लेक्चर में कैल्शियम चैनल क्या करते थे, ठीक है ना, बीपी को, ओके।
ब्लॉकर्स आर मेडिकेशन यूज्ड टू लोअर ब्लड प्रेशर, दे वर्क बाय प्रिवेंटिंग कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग द सेल्स ऑफ द हार्ट. ये क्या करेंगे, कैल्शियम को रोक देगा फ्रॉम एंटरिंग द सेल्स ऑफ द हार्ट. हार्ट के सेल्स में कैल्शियम को नहीं आने देगा एंड आर्टरीज में नहीं आने देगा. सेल्स ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज, कैल्शियम कॉजेस द हार्ट एंड आर्टरीज टू स्क्वीज कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रॉन्गली. ठीक है ना, अगर तेज प्रेशर से हमें ब्लड को बाहर निकालना है, ठीक है ना, हमें बीपी लो करना है, जब बीपी बढ़ाना होता था तो कैल्शियम जैसे ब्लॉकर काम करते थे. तो कैल्शियम जैसे ही सेल्स के अंदर जाएगा तो आर्टरीज और हार्ट बड़ी तेजी से पिचकेंगे और ब्लड को आगे धक्का मारेंगे. जब बड़ी तेजी से धक्का लगेगा तो बीपी इंक्रीज कर जाएगा. तो चैनल ही ब्लॉक कर दे रहे हैं कुछ ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे, कारण ही करेंगे कुछ कर देते हैं. उससे क्या हो जाएगा, जो इसका स्क्वीज होना है कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत ताकत से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ताकत से ना होकर के बड़ी ताकत से हो रहा था, हल्का ही होगा, पूरा पूरा नहीं पिचकेगा. बात समझ में आ रही है, एक चीज पूरी पिचक गई, एक चीज हल्की पिच गई, तो उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा. बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अलाउ ब्लड वेसल टू रिलैक्स एंड ओपन. कैल्शियम को ब्लॉक करने से वो काफी देर रिलैक्स रहते हैं और खुले रहते हैं, बार बार पिचक ना उनका बंद हो जाता है. सम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैन ऑल्सो स्लो द हार्ट रेट विच कैन फर्दर लोअर ब्लड प्रेशर. हार्ट का जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट उसको भी कम कर देगा. हार्ट जो 72वां धड़क रहा था उसको ले आएगा 60-65 में, तो बीपी क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. ठीक है ना, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, अभी जब मैं क्लासिफिकेशन कराऊंगा नीचे उसमें ये सारे टर्म्स आएंगे, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, समझ लो इसको अच्छे से. एसीई क्या होता है, ओके, एसीई क्या होते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम. क्या है ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, आओ एक चीज देख लेते हैं. पहले हम लोग एसीई का टॉपिक यहां डाल दिया है तो हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाते हैं. देखो हमारी बॉडी में ना एक मैकेनिज्म काम करता है, हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं रास. रासलीला नहीं, रास, ठीक है ना. देखो रास क्यों कहा गया है, होता क्या है, ब्लड प्रेशर फॉल, जैसे ही मेरा बीपी गिरा, मेरा बीपी क्या कर गया, डिक्रीज हुआ, किडनी के अंदर से एक कंपाउंड निकलता है, दैट इज योर रेनिन. क्या निकलेगा, रेनिन, सुनते जाना, ये सारे टर्म्स अभी आने वाले हैं. किडनी के अंदर से क्या निकलता है, रेनिन निकलता है. रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिनोजेन 1 में. ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन 1 को एसीई, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, यही था ना अभी एसीई, बात समझना, ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजेन 1 को एंजियोटेंसिनोजेन 2 में. जो एंजियोटेंसिनोजेन 2 होता है ये ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देगा साथ साथ में. ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रही है, एल्डोस्टेरोन को निकाल रही है अपने अंदर से. जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, सोडियम रिटेंशन, यानी कि किडनी को सोडियम जो फिल्टर कर रहा है सोडियम को रख लेता है, कहता है रखो सोडियम बाहर मत जाने दो, बीपी लो हो गया, सोडियम किडनी रख लेगा अपने पास, यानी कि ब्लड में बना के रखेगा, फिल्टर नहीं करेगा सोडियम को, सोडियम बढ़ने से वापस से क्या बढ़ेगा, बीपी इंक्रीज कर जाएगा. तो देखो रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है ना, और ये क्या है, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, और इसमें एक चीज रह गई है, एक मिनट, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है ना, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन, ये तीन यहां पे काम कर रहे हैं, देख पा रहे हैं हम लोग, रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है ना, और एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो यहां से वर्ड क्या बन गया, रास बन गया. तो एसीई अगर ये वाला एंजाइम काम करना बंद कर दे तो 1-2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, 1-2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये आगे वाला फंक्शन नहीं हो पाएगा. बस यही कहानी चल रही थी यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे कि एसीई इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर प्रिवेंट एन एंजाइम इन द बॉडी, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंजियोटेंसिनोजेन 2, ठीक है ना, एंजाइम को क्या कर दे रही, रोक दे रही है, वो फर्दर उसको कन्वर्ट करने नहीं देगी. अ सब्सटेंस दैट नैरो द ब्लड वेसल, एंजियोटेंसिनोजेन 2 क्या करता है, एंजाइम बॉडी 2 बॉडी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंजियोटेंसिनोजेन 2 की जगह आना चाहिए यहां पे एक्चुअली 3 है ना, किसको रोक रही है ये,
भाई ये किसको रोक, सॉरी थ्री कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं कर रहा, दिस इज व्हाट टू, ओके एंजियोटेंसिन टू को रोक दे रही है। तो टू करता क्या है, कैसे बीपी को हाई करता है, टू कर क्या रहा है, ये क्या कर दे रहा है, नैरो द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को क्या कर दे रहा है, पिचका दे रहा है, ब्लड वेसल को क्या कर दे रहा है, पिचका देगा, ब्लड जैसे पिचकेगा है ना, पाइप से पानी बह रहा है उसको आगे से दबा दो, जैसे उसका छेद पतला होगा पानी की धार पड़ जाती है, तो ये उसको दबा देगा तो बीपी मेरा हाई हो जाता है, अगर ये होगा ही नहीं तो बीपी मेरा लो हो जाएगा। एक टर्म बार बार आएगा, दिस इज सेंट्रल अल्फा टू है बच्चों, ये दिस इज व्हाट अल्फा टू एड्रिनोमिमेटिक, तुम लोगों को ध्यान होगा हम लोगों ने अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पढ़े थे है ना, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स के अंदर, तो यहां पर एक खास तरह का सेंट्रल अल्फा टू है, देखने में तो सिंपैथो वो हो गया मिमेटिक हो गया, यानी कि इसको काजी में ऐसा लग रहा है बीपी बढ़ेगा, यहां बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान देना, ये जो सेंट्रल एड्रिनोमिमेटिक है, एड्रिनल जो होते हैं जनरली क्या करते हैं बीपी को हाई करते हैं, बट ये अल्फा टू एक खास रिसेप्टर है, ये क्या करता है, ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग, सेंट्रली एक्टिंग मतलब ये कहां लगा हुआ है, हमारे ब्रेन में लगा हुआ है, तो सेंट्रली एक्टिंग अल्फा टू एगोनिस्ट स्टिमुलेट अल्फा टू एड्रिनो रिसेप्टर, ये अल्फा टू रिसेप्टर को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कहां करता है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, अल्फा टू रिसेप्टर आर फाउंड ऑन सेल इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये वो पार्ट है ठीक है, दैट इंक्रीज द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट एंड पीपल साइज, देखो वही सारी कहानी आ गई, तुम्हें याद होगा डर लगा शेर को देखा, सिंपैथेटिक क्या करता है, चीजों को बढ़ाता है, याद आ रहा है, ठीक है, तो यहां से बच्चों कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी तुम लोगों को, कि अगर ऐसा है ये सिंपैथेटिक का पार्ट है तो इसको बीपी को बढ़ाना चाहिए, कम क्यों कर रहा है, बट मैंने क्या कहा, इसीलिए मैंने यहां पे इसको मार्क किया है, ठीक है, व्हेन अल्फा टू रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी डिक्रीजेस, यहां पर ये काम उल्टा कर देता है, देखो सिंपैथेटिक ये काम करता जरूर है, लेकिन सिंपैथेटिक के अंदर पाया जाने वाला अल्फा टू ये इसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है, दिस डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी लीड्स टू ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ध्यान रखना ये सिंपैथेटिक के अंदर एक ऐसा रिसेप्टर है, ठीक है, तुम लोग जब वहां पे देखोगे, मैंने वहां पे अल्फा टू का जिक्र नहीं किया, अल्फा वन का जिक्र किया, अल्फा टू का जिक्र नहीं है, ठीक है ना, लेक्चर देखोगे या नोट देखोगे वहां पे अल्फा टू का जिक्र नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा टू पाया जाता है सिंपैथेटिक में, लेकिन ये सिंपैथेटिक को रोकने के लिए है, किसको रोकने के लिए, सिंपैथेटिक को रोकने के लिए, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, चले आगे, नाउ रास पढ़ रहे थे हम लोग, अब रास पे आ जाते हैं, इसको और अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन की सीरीज है ना, देखा हमने कि भैया ऐसा तो है नहीं कि आगे रुक गया, स्टार्ट होता है यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन नहीं है, ठीक है, कैसी है, सीरीज ऑफ रिएक्शन है, ओके देखते हैं क्या बोल रहा है, डिजाइन किया गया टू हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर, इसको किस पर्पज से बनाया गया है, कि हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सके, ओके, व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल्स, जब गिरता है फॉर सिस्टोलिक टू 100 mmHg, यानी कि ऊपर का जो 120 था वो लगभग जैसे 100 पे आता है या उससे नीचे गिरेगा, सुनते हैं ना, किडनीज रिलीज द एंजाइम, एक एंजाइम रिलीज करते हैं, क्या है उसका नाम, रेनिन, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, खून के अंदर रेनिन नाम का एंजाइम किडनी के द्वारा छोड़ दिया जाता है, चलो ठीक है, रेनिन स्प्लिट, रेनिन टूट जाएगा, ठीक है, स्प्लिट एंजियोटेंसिनोजेन अ लार्ज प्रोटीन, ठीक है, सॉरी रेनिन क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, रेनिन तोड़ता है, स्प्लिट्स है, रेनिन तोड़ता है किसको, एंजियोटेंसिनोजेन को, अ लार्ज प्रोटीन जो कि एक बहुत बड़ी प्रोटीन है दैट सर्कुलेट्स इन द ब्लड स्ट्रीम, एंजियोटेंसिनोजेन ब्लड के अंदर फ्लो करती है, नॉर्मल जब रहती है, ठीक है, ठीक है, इनटू पीसेस, वन पीस इज एंजियोटेंसिन 1, जब ये एंजियोटेंसिनोजेन को तोड़ देता है कई सारे टुकड़ों में, इसका एक टुकड़ा एंजियोटेंसिनोजेन को क्या कहलाता है, एंजियोटेंसिन 1 कहलाता है, बात समझना, एंजियोटेंसिन 1 व्हिच इज रिलेटिवली इनएक्टिव, ये अभी भी इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा है, इज स्प्लिट इनटू पीसेस, इसको भी तोड़ दिया जाता है टुकड़ों में बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE,
ACE, angiotensin converting enzyme. One piece is angiotensin 1, जो इसका एक पीस है, sorry, उसको कब कहते हैं? Angiotensin 2 कहते हैं. जैसे वहाँ पे उसके एक पीस को angiotensin 1 कहा था, यहाँ पे इसको angiotensin 2 कहते हैं. ठीक है? जो कि एक हार्मोन है, which is very active. So one piece is angiotensin 2, a hormone which is very active. एक हार्मोन है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. Angiotensin 2 causes the muscular walls of the small artery to constrict. ये जो angiotensin 2 है ना, यही खतरनाक है. ये क्या करता है? पिचका देता है इस तरीके. जैसे पिचकाओगे तो धार तेज से निकलेगी, है ना? Increase blood pressure, इसकी वजह से blood pressure increase कर जाएगा. Angiotensin 2 also trigger the release of hormone aldosterone. Angiotensin trigger मतलब धार चालू कर दिया. निकल निकल भाई aldosterone बाहर निकल. एंजियोटेंसिन क्या कह रहा है? बाहर निकल भाई एल्डोस्टेरोन, बाहर निकलो, जरूरत तुम्हारी जरूरत पड़ गई है. कैसे एक्ट करेगा ये? एल्डोस्टेरोन को बाहर निकालेगा फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड एंड वैसोप्रेसिन. और ये एक और कंपाउंड होता है वैसोप्रेसिन, इसको भी बाहर निकालता है. ये एंटी डायुरेटिक होता है, यानी कि पेशाब को रोकेगा कि ज्यादा पेशाब ना हो, ताकि सोडियम ज्यादा बॉडी से बाहर ना निकल जाए. फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहां से निकलवा रहा है इसको? वैसोप्रेसिन को, पिट्यूटरी ग्लैंड से. ठीक है ना? Aldosterone and vasopressin cause the kidney to retain sodium. ये दोनों मिलकर के किडनी से कह रहे हैं भाई सोडियम रोक, सोडियम को रोको, प्रेशर बॉडी का क्या हो गया, गिर गया है, प्रेशर बढ़ाना है. ठीक है? Aldosterone also causes the kidney to excrete potassium. ये एक काम और करते हैं कि पोटेशियम को बाहर निकाल देंगे. ठीक है? कौन? Aldosterone. The increased sodium causes water to be retained. इसकी वजह से पानी जो होता है बॉडी के अंदर रिटेन रहेगा. रिटेन रहने से क्या होगा? बीपी इंक्रीज करेगा, thus increasing blood volume and ब्लड प्रेशर. ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा. तो देखो वही सारी कहानी यहां पे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं वाली फिर से हम लोग. चलो, तो जैसे ही ब्लड प्रेशर गिरा, ठीक है, जैसे ही ब्लड प्रेशर गिरा, किडनी ने एक एंजाइम निकाला जिसका नाम क्या था? दिस इज व्हाट, एंजाइम ग्रेनिन. ठीक है? एंजियोटेंसिनोजन ये कहां पर है? ये ब्लड के अंदर है. ब्लड स्ट्रीम यानी कि नसों के अंदर जब खून का बहाव है उसके अंदर ये पाया जाता है. इसके ऊपर ये काम करेगा. ये क्या है? प्रोटीन है, वो एंजियोटेंसिन 1 में टूटेगा. ये भी इनएक्टिव थी, उसके ऊपर एसी काम करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2 में तोड़ देगा. ये बड़ा पावरफुल चीज है. ये दो काम करता है, एक तो आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट, आर्टरीज को पिचका देगा, बीपी बढ़ जाएगा. साथ साथ में इस एड्रेनल ग्लैंड को बोलता है एल्डोस्टेरोन निकालो. इसका एक पार्ट और है जो कि मैं यहां लिख देता हूं. ये कहां पे एक्ट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पर. यहां से क्या निकलता है? वैसोप्रेसिन. यहां से क्या हार्मोन निकलता है? वैसोप्रेसिन. ठीक है ना? तो इस तरीके से ये सारी कहानी बीपी बढ़ने की होती है. तो हम देख सकते हैं इसको रोक लो, है ना, किन किन चीजों को रोक करके हम बीपी को लो कर सकते हैं. तो अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जब मैं यूज की बात करूंगा तो मैं आगे भागता चला जाऊंगा. यूज यहाँ से सारा यूज में क्या होगा? बोलेगा रेन को रोकना है, बोलेगा एसी को रोकना है. ठीक है? तो यूज समझ में आ जाएगा कि इसको रोकेगा तो बीपी रुक जाएगा बढ़ना, इसको रोकेगा तो बीपी बढ़ना रुक जाएगा. क्लियर है बातें? उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी. क्लियर? ओके, नाउ द पार्ट इज क्लासिफिकेशन. ठीक है? क्लासिफिकेशन बच्चों जो है हमारे पास, ये थोड़ा सा तुम्हें अब याद करना पड़ेगा. आओ देखते हैं क्लासिफिकेशन दिख रहा है, तो चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है. डायुरेटिक्स है ना, क्लासिफिकेशन है. कुछ ड्रग्स हमारे पास क्या है? डायुरेटिक्स है. कुछ एसीई इनहिबिटर है. अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं. डायुरेटिक बता दी मैंने क्या काम करते हैं, एसीई बता दी मैंने क्या काम करते हैं, एंजियोटेंसिन ATA1 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करने वाले बता दिया मैंने, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर रेनिन को रोकने वाले, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाले, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यानी कि एड्रेनर्जिक क्या अदर करते हैं, बीटा सिंपल जेनेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ब्लॉक कर देंगे, बीटा प्लस अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर. अल्फा बीटा वाला केस था हमने सिंपैथेटिक सिस्टम में. अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, क्या करते हैं? सिंपैथेटिक सिस्टम को इंक्रीज करवाते हैं. और उनको ही ब्लॉक कर दिया जाए तो खेल खत्म हो जाएगा. अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर सेंट्रल अल्फा टू एड्रिनोमिमेटिक, इसका जिक्र किया मैंने अभी, मैंने बताया अल्फा टू एक खास किस्म का एड्रिनोमिमेटिक रिसेप्टर है. ठीक
ठीक है। और लास्ट में आते हैं वैसो डायलेटर, आर्टरी को डायलेट करने वाले हैं या आर्टरियल और वीन को, दोनों को डायलेट करेंगे, ठीक है। इसीलिए क्लासिफिकेशन के अंदर ताकि जो टर्म्स दे रखे हैं, ये टर्म्स तुम लोग ना पूछो बाद में कि इनका क्या मतलब था, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, मैंने पहली सारी चीजें कवर करवा दी, क्लियर है। अब अंदर तो भाई देखो ड्रग्स के नाम हो तुमको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, पार्ट भी करनी है तो याद करने पड़ेंगे, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन तो उड़ गया होगा, खुद से भी अब तो क्लासिफिकेशन बना दोगे। डायुरेटिक्स है, एसी इनहिबिटर है, रेनिन इनहिबिटर है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो ऊपर मैंने समझाई बातें उन्हीं से हमारा क्लासिफिकेशन तैयार हो जाएगा। सबकी कम से कम दो दो ड्रग्स याद कर लो, खेल खत्म, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्लियर है, ओके। नाउ अब हमारे पास स्टार्ट हो जाता है क्या, अब हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं ड्रग्स। तो पहला ड्रग है प्रोप्रानोलोल, स्टार लगा हुआ है, तो इसका आईपीसी नेम और स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में मौजूद है। आओ देखें प्रोप्रानोलोल सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम इंड्रा, इसको मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में, क्या था वही उठाकर के मैंने यहां डाला हुआ है, पूरा कॉपी पेस्ट चेक कर लेना, ठीक है ना, वही बिल्कुल डिटो उठाकर यहां डाल दिया मैंने। प्रोप्रानोलोल पहले जो पढ़ा था हमने वही उठाकर के मैंने यहां डाल दिया है, ठीक है, तो वही सारी बातें हैं। इट इज मेडिकेशन ऑफ द बीटा ब्लॉकर क्लास, बीटा ब्लॉकर है ये। इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाई बीपी, इसलिए इस्तेमाल होते हैं ये हाई बीपी के लिए, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इररेगुलर हार्ट रेट हमने पढ़ा था, एंटी अरिथमिया में पढ़ा था, थायरोटॉक्सिकोसिस, कैपिलरी हेमोजिनिया, परफॉर्मेंस एंजाइटी, एक्सटेंशन ट्यूमर, एज वेल एज प्रिवेंट माइग्रेन हेडेक, सारी बातें मैंने डिस्कस की थी, ध्यान है। प्रोप्रानोलोल तुरंत पॉज करो वीडियो को, देखो पुराना वाला लेक्चर या पुराना वाला नोट जो मैंने बताए थे तुरंत निकाल लो, फटाक से निकले, पूरा सेम है, जो लोग पहली बार लेक्चर देख ले वो लोग समझ लें इस चीज को, थोड़ा सा इसीलिए फास्ट क्योंकि स्टार्टिंग में काफी डिटेलिंग करी है, अब थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इट कैन बी टेकन बाय माउथ, ठीक है, और बाय इंजेक्शन इनटू वीन। प्रोप्रानोलोल अपीयर्स इन द ब्लड आफ्टर 30 मिनट के बाद ही हमारे ब्लड में आ जाता है। मैक्सिमम इफेक्ट बिटवीन 60 से 90 मिनट, 60 से 90 मिनट के अंदर इसका मैक्सिमम इफेक्ट हमको देखने को मिल जाता है व्हेन टेकन बाय माउथ। केमिकल नेम की बात करें और स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपेन टू ऑल है ना, तो ये क्या आ गया 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3 प्रोपेन टू ऑल हो गया। 1 पे क्या है नेप्थलीन, 1 आई ऑक्सी, ठीक है, 3 पर क्या लगा हुआ है, ये 3 पे क्या लगा हुआ है प्रोपेन, 1, 2 और 3 प्रोपेन, और ये 2 पे क्या लगा हुआ है आई और अमीनो, ये ग्रुप निकल गया यहाँ पर, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना, ये क्या है, दिस इज नेप्थलीन, 1 पे लगा हुआ है आई और ये ओ लगा हुआ, तो नेप्थलीन ऑक्सी मिथॉक्सी होता है, इथॉक्सी मिथॉक्सी नेप्थिलोनॉक्सी, ठीक है ना, 1 आई और 3 पे लगा हुआ है, इसको डिस्कस किया था पहले भी हमने। यूज इट इज यूज टू ट्रीट आई बीपी, इररेगुलर हार्ट रेट, थायरोटॉक्सिकोसिस, क्या होता है थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस इज अ कंडीशन इन विच यू हैव टू मच थायराइड हार्मोन इन योर बॉडी, जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन हो जाता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कुछ बीमारियां जिसके अंदर थायराइड का लेवल बढ़ जाता है, उस केस में भी बीपी बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी, कहीं पे जा रहे हो, जा रहे आज देखो स्टेज पे जाना, आज देखो क्लास में स्पीच दे रही है और एंजाइटी हो गई है, टेंशन हो गई है, तो बड़ा ही कॉमन है, शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, कॉमन सी शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, देखो ये स्टेबिलिटी स्टोरेज कर लोगे ना, प्लीज कर लोगे ना, अरे कॉमन है याद कर लो, सब में सेम ही रहता है। टैबलेट और सॉल्यूशन के रूप में है ना, सॉल्यूशन में हमारे पास इंजेक्शन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ब्रांड नेम की बात करते हैं इंड्राल, सिप्लार और डाइड्राल, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, पेज में को लगता है एक्स्ट्रा आ गया है, नेक्स्ट आते हैं। सेकंड कैप्ट्रोपिल, ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, कैप्ट्रोपिल आ गया, ओके। कैप्ट्रोपिल की बात करो, इट इज अ सल्फाहाइड्रिल कंटेनिंग एनालॉग ऑफ प्रोलाइन, देखो ये पढ़ेंगे हम इसका नेम सीखेंगे, ठीक है ना, सल्फाहाइड्रिल, ठीक है, सल्फाहाइड्रिन है ना, पाइरोलिडीन, ठीक है ना,
सल्फाहेड्रल कंटेनिंग एनालॉग ऑफ प्रोलाइन, ठीक है ना, याद रहे तो इसको हटा सकते हो, यहां से आ जाओ। कैप्रोपिल सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम कैपोटेन, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग की बातें लिखता हूं, ये जनरल इंट्रोडक्शन होता है, ये लिख दोगे ना टीचर ऐसे समझ जाएगा कि तुमको आता है, ठीक है। इट इज एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये लो इसका फंक्शन पता चल गया, कैप्रोपिल का एसीई को रोकता है, ठीक। इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड सम टाइप्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कुछ टाइप के जो हार्ट फेलियर है और हाइपरटेंशन में इस्तेमाल है। कैप्रोपिल वॉज फर्स्ट ओरल एसीई इनहिबिटर, ये पहला ओरल एसीई इनहिबिटर था, फाउंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, क्लियर है, पहले ऐसी ड्रग थी, इसको ओरल लिया गया और ये हाइपरटेंशन में इफेक्टिव हुई। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है तो हमको ये करने हैं, आओ देखते हैं इसको। तो केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ना मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, क्लियर है, ठीक है, और ये किस पे लगा हुआ है, पाइरोलिडीन, दिस इज व्हाट, पाइरोलिडीन आ गया मेरे पास, ओके। अब ये किस पे लगा हुआ है, टू पे, तो वन और टू पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। फिर कह रहा है टू मिथाइल थ्री सल्फानिल, वन टू थ्री, है ना, OH होता तो हाइड्रोक्सिल होता, OH होता तो हाइड्रोक्सिल होता, एस है तो सल्फानिल, तो सल्फा हाइड्रिल है ना, ये बताता हूं मैं, सल्फा हाइड्रिल, ठीक है ना, ये वही चीज है। तो थ्री पे क्या लगा हुआ है, टू पे मिथाइल लगा हुआ है, थ्री पे सल्फा नील, फिर आगे वन टू और थ्री प्रोपेनॉइल, वन टू और थ्री क्या हो गया, ये प्रोपेनॉइल हो गया, ठीक है, प्रीफिक्स लग गया यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो ये इसका नाम आ गया पाइरोडीन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से इसकी नेमिंग रहेगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये रहेगा कि स्ट्रक्चर याद करो पहले और उसके बाद से नाम लिखो, और ये नाम से स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। मैं नॉर्मल पिछली क्लास लूंगा बाद में, ऐसे मैंने कहा है तो और अच्छे से चीजों क्लियर करेंगे। यूज की बात करें तो देखो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे यूज नहीं बताऊंगा, यूज बना लोगे, स्टार्टिंग में इतना सारा इन्फॉर्मेशन लगाई मैंने वहां से यूज बना लो। हाइपरटेंशन के लिए है, लोअरिंग ब्लड प्रेशर, बीपी लो करेंगे तो क्या क्या होता है, स्ट्रोक हमारे रुक जाएंगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा, किडनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट हार्ट फेलियर, प्रोटेक्ट द किडनी, किडनी को प्रोटेक्ट करने के, टू प्रिवेंट या टू इंप्रूव सर्वाइवल आफ्टर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक अगर हो चुका है उसके बाद दोबारा हार्ट अटैक ना हो उसके लिए भी हम लोग ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। इधर आ जाओ, सो नहीं भाई, आ जाओ फटाफट, चलो। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, देखो भैया ये सेम, Do not freeze, keep away from light, इतने इतने, room temperature, room temperature, room temperature, ठीक है ना, कर लोगे, क्या है, okay, formulation, tablet के रूप में आता है, brand name की बात करें तो captopril, acetan, acizide और captocare, clear है, चलते हैं आगे, next आता है ramipril, ramipril को बेचा जाता है, किसके नाम से, Altaz के नाम से, sold under the brand name Altaz, और ये बहुत सारे, ये काफी common है, ramipril is a pro drug, बेटा ये देखो इधर पे, प्रोड्रग का मतलब होता है ऐसी दवा जो अंदर जाएगी और फिर अपना रूप बदल लेगी और उस रूप में वो काम करेगी, जिस रूप में खाया उस रूप में काम नहीं करेगी, अंदर जाके अपना रूप बदल लेती है, यानी कि अपना अंदर जाकर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर लेगी। तो क्या बोल रहा है, रेमिप्रिल इज कन्वर्टेड इन द लिवर, कहां कन्वर्ट हो रहा है, लिवर में बाय डी ईस्ट्रिफिकेशन, क्या हो रहा है ये, उसका ईस्टर वाले ग्रुप को उसको हटा दिया जा रहा है, इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म रेमिप्रिलेट, उसके एक्टिव फॉर्म रेमिप्रिलेट में कन्वर्ट हो जाता है वो, विच इनहिबिट एसी, अब जाकर को एसी को रोक दिया भैया, बदलना नहीं एसी वन को, है ना, एनजीओ 81 को 82 में नहीं बदलना, बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाई बीपी, हार्ट फेलियर, अब ये मन से बना लो भैया, बच्चों मन से बना लोगे। It can also be used as preventive medication in patient over 55 years. 55 साल के बाद थोड़ा बहुत अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो as a preventive treatment, लो खाओ, नहीं होगा तुम्हारे को high BP, ठीक है ना? It is taken by mouth, ठीक है। Chemical name and structure की बात करें तो काफी लंबा थोड़ा सा नाम है, आओ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये रहा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, this is what कार्बोक्सिलिक एसिड, ये खत्म हो गया खेल यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर देखो क्या है, 1-ethoxy, 1 और 2, ये रहा 1-ethoxy, 1-oxo, ये 1,
5 ये होगा वहां पर, ठीक है। 1 इथॉक्सी, 1 पे ऑक्सो हो गया, 2 3 4 4 पे फिनाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 ब्यूटेन, और 2 से लगा हुआ है तो आयल हो गया। अमीनो, ये हो गया अमीनो, खत्म अमीनो की कहानी। प्रोपेनॉइल, तो 1 2 और 3 क्या हो गया, ये प्रोपेनॉइल ओ वाला ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। फिर आते हैं बात करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 है और ये हो जाएगा मेरे पास 6 है, ठीक है ना। जो जॉइंट है उसकी बात हो रही है, 1 3 3 A, फिर आ रहा है 4 5 6 6 A, ठीक है ना। हेक्साहाइड्रो, ये सब सैचुरेशन है, हेक्साहाइड्रो हो गया 2H, ठीक है ना। साइक्लोपेंटा, ये बॉन्ड B आ गया यहाँ पर, पायरोल 2-कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये तो ऑलरेडी आई थिंक अपने सिलेबस में नहीं है, बट नेम सीखने के लिए, राइफिल का अपने सिलेबस में नहीं है तो नाम सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए गुड, अच्छा है। देखो कि किस तरह से कंपाउंड की नेमिंग की जा रही है, मेन कंपाउंड और बाकी सब चेन, मेन कंपाउंड ये रहा, बाकी सब चेन में, चेन के अंत से स्टार्ट होता है, अंत से स्टार्ट होते हुए हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं मेन पेरेंट चेन की तरफ। फिर से मेन कंपाउंड ढूंढ लिया, फिर उसके अंत में जाओ, अंत से आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और हर किसी की नेमिंग 1 2 1 2 3 1 2 3 जो जो ग्रुप आते जा रहे हैं ऊपर से चले जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यूज की बात करें तो देखो भैया अभी तो वही सेम सेम चीजें हैं, इट इज यूज एंटी हाइपरटेंसिव स्ट्रोक, इट इज आल्सो यूज्ड टू इंप्रूव सर्वाइवल आफ्टर हार्ट अटैक, इट मे आल्सो बी यूज्ड इन हाई रिस्क पेशेंट सच एज पेशेंट विद डायबिटीज, ठीक है। हेल्प टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, दिस मेडिकेशन मे आल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट हार्ट फेलियर इन पेशेंट हू हैव अ हैड अ रीसेंट हार्ट अटैक, जो जल्दी हार्ट अटैक आएगा तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट कैप्सूल है। ब्रांड नेम की बात करें तो अल्टेस, कार्डेस, रेमी हार्ट और रेमीप्लस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। चले आगे, ओके। नेक्स्ट आता है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड क्या है ये, मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड इज द हाइड्रोक्लोराइड साल्ट फ्रॉम मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा में HCl जोड़ दो तो बन जाता है मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, उसका साल्ट हो गया ये, ठीक है। मिथाइल डोपा अगेन एक क्या है, प्रोड्रग है, मैंने बताया था ऐसे कुछ काम नहीं करेगा ये। तो होता क्या है, इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कहां पे मेटाबोलाइज हो रहा है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा सीम्स टू बी एट्रिब्यूटेबल टू इट्स कन्वर्जन इनटू अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, इतनी लंबी जो लाइन है सीधा लिख सकते हो कि इसका द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा इज ड्यू टू इट्स कन्वर्जन, ड्यू टू इट्स कन्वर्जन इनटू अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन, कि ये बॉडी के अंदर जाकर के अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी वजह से इसका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है। ओके, आगे आते हैं हम लोग केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो अगेन देख लेते हैं यहां पर प्रोपेनॉइड, तो यहां पर क्या है सी और ये सी, तो H3 ये क्या हो गया इथाइल और ईस्टर है ना ये, What is this? COOR क्या हो गया ईस्टर, ईस्टर के लिए क्या लगता है O8, ये वर्ड किसके लिए लगता है O8 ईस्टर के लिए, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड नीचे है इसलिए उसके लिए HCl लगा हुआ है। अब देखो चलते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 1 2 और 3, 2 पर क्या लगा हुआ है अमीनो, 2 पर क्या लगा हुआ है अमीनो, ठीक है। फिर 3 पर क्या लगा हुआ है, 3 पर 1 2 3 and 4 and 5 and 6, 3 4 डाइहाइड्रोक्सी, 3-4 डाइहाइड्रोक्सी और ये क्या है फिनाइल, दिस ग्रुप इज व्हाट, दिस इज फिनाइल और ये तो OH लगे हुए हैं तो हाइड्रोक्सी, क्लियर है ना। फिर 2 पर एक ये सी भी लगा हुआ है 2 मिथाइल, है ना, अमीनो हमने पहले कवर कर लिया, और 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 क्या हो गया प्रोपेन और ये OH हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग थी हमारे पास। यूज की बात करें तो देखो सिंपल है, हाइपरटेंशन के लिए है और ये खास करके प्रेगनेंसी के टाइम पर, जो प्रेगनेंसी की वजह से कई बार जो लेडीज में हाइपरटेंशन हो जाती है, जेपी बढ़ जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। स्टोरेज कंडीशन सेम है, फॉर्मुलेशन की बात करें टैबलेट है, ब्रांड नेम की बात करें तो एल्डोमेट, एल्डोक्लोर और एल्डोरेल है,
क्लियर। चलते हैं आगे और देखें, क्लोरीडीन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोरीडीन हाइड्रोक्लोराइड इज द हाइड्रोक्लोराइड साल्ट। क्लोरीडीन हाइड्रोक्लोराइड इज द हाइड्रोक्लोराइड साल्ट फॉर्म ऑफ क्लोरीडीन। क्लोरीडीन का साल्ट है, मेन कंपाउंड क्या है, क्लोरीडीन है। एंड इमिडाजोलिन डेरिवेटिव, ये किससे निकल के आया है, इमिडाजोलिन का डेरिवेटिव है। क्लोरीडीन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम कैटाप्रेस। देखो इमिडाजोलिन वगैरह ये सब अगर मेरे लेक्चर प्रॉपर देख रहे हो तो स्ट्रक्चर वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ में आ रहा होगा। इट इज अगेन अल्फा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है ना, जो हमने डिस्कस किया था। इट इज यूज टू ट्रीट हाई बीपी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना। इसका क्या होता है, लगता है बच्चों की अटेंशन नहीं मिल रही है, उसकी वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है कुछ लोगों का। ड्रग विड्रॉल, अल्कोहल पीते थे छोड़ना चाह रहे हो, उसकी वजह से बीपी बढ़ गया है, तो उसमें हम लोग काम में आता है। मीनोपॉजल फ्लशिंग होता है क्या, आफ्टर 45 फीमेल्स के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो क्या होता है, एक तरह की खास तरह की प्रॉब्लम कुछ लोगों में क्रिएट हो जाती है, उनके हाथ में, बॉडी में, गर्दन में एकदम से गर्माहट सी आती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉजल फ्लशिंग। डायरिया, स्पास्टिसिटी एंड सर्टन पेन कंडीशन, और कुछ खास तरह के जो पेन कंडीशन है उनमें इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज बाय माउथ, मुंह के द्वारा इस्तेमाल होता है, बाय इंजेक्शन और एज स्किन पैच, स्किन के अंदर डाल दी जाती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका एक्शन कब स्टार्ट होता है, विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर इसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, विद द इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर लास्टिंग फॉर अप टू 8 आवर, और लगभग लगभग 8 घंटे के लिए ये मौजूद रहता है। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो देखो क्या है यहाँ पर, मैंने कहा था इमिडाजोल है, इमिडाजोल 2-अमीन, तो ये देखो मेरे पास पार्ट, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 2 पर क्या लगा हुआ है, अमीन लगा हुआ है, ठीक है, 1 पर एच इमिडाजोल, 2 अमीन, जितना पार्ट कवर हो गया। अब ये तो सिंपल है मेरे पास, है ना, तो कर लोगे, ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2, 6 डाइक्लोरो और फिनाइल, एन पर लगा हुआ है, 2, 6 डाइक्लोरो और फिनाइल। एक मिनट ज्यादा यहाँ पर, ओहो ओहो ओके, बैटरी काफी लो हो गई है, लेट्स सी ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। यूजर, इट इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए होता है ये। लोरिक हाई बीपी क्या करेगा, प्रिवेंट करता है, बीपी लो हो जाएगा तो क्या क्या चीजें बच जाएंगी, और स्ट्रोक बच जाएगा, हार्ट अटैक बच जाएगा, किडनी प्रॉब्लम बच जाएगी। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में इसको स्टोर करना है। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, ठीक है। फॉर्मुलेशन टैबलेट इंजेक्शन, ब्रांड नेम अर्कामीन, कैटाप्रेस, क्लोडिक, क्लोनिडी, हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे इसके क्या है, ब्रांड नेम है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोलेजाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है ये, इसका जो ब्रांड का नाम है, ये किस ब्रांड के तहत सबसे ज्यादा बिकता है, एप्रेसोलोलिन, ठीक है ना। इट ऑल्टर द इंटरसेलुलर कैल्शियम रिलीज, देखो ये कहीं ना कहीं कैल्शियम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। एंड इंटरफेयर विद द स्मूथ मसल सेल कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम को अंदर आने से रोकेगा, रिजल्टिंग इन आर्टेरियल वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से आर्टरी क्या कर जाएगी, वैसोडाइलेट फैल जाएंगी, तो फैलेगी तो बीपी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये किसके साथ हरकत दे रहा है, कैल्शियम चैनल के साथ, उसको थोड़ा सा रोक देगा ये, क्लियर है। तो स्मूथ मसल और आर्टरीज क्या रहेंगी, उन पे हरकत होगी तो आर्टरीज क्या होंगी, वो पूरी तरह से श्रिंक नहीं कर पाएंगी, हल्की सी फैली रहेंगी और बीपी लो बना रहेगा। इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाई बीपी, ओके, इट इज गिवन बाय माउथ और बाय इंजेक्शन, ओके, है ना, माउथ के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, समझ रहे हो ना, तो इतनी बात नहीं खास है। इफेक्ट यूजली बिगिन अराउंड 15 मिनट के अंदर इसका असर शुरू हो जाता है, एंड लास्ट अप टू 6 आवर, लगभग 6 घंटे तक इसका असर बना रहता है। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें, कोर्स में तो नहीं है बट आओ देख ले इसको क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन, देखो ये जो पार्ट है ना, ये दिस इज हाइड्रोजन, NH2 और NH2, क्या है ये, हाइड्रोजन है, ठीक है, साथ में हाइड्रोक्लोराइड और लिख दो HCl। अब देखो फिथालिजीन 1I, ये रहा 1 खत्म हो गया, फिथालिजीन 1I हाइड्रोजन, खेल खत्म हो गया, इससे NN जुड़ा हुआ और ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया, फिथालिजीन कहलाता है, क्लियर है। यूज वही सारे सेम यूज है जो ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, स्टोरेज एक्टिविटी वही सारी सेम स्टोरेज एक्टिविटी है, फॉर्मुलेशन टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन के रूप में, ब्रांड नेम एप्रोसोलिन, हाइड्राजाइड, एप्रिसाजाइड, हाइड्रा एलाजीन प्लस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है।
ठीक है ना, बायोडायवर्सिटी में नेक्स्ट सेवंथ है हमारे पास निफेडिपिन। निफेडिपिन काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, नॉर्मली आप लोगों को मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिलेगी और जनरली डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। निफेडिपिन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम अदालत, ठीक है, अदालत एंड प्रोकार्डिया, ठीक है, अदालत और प्रोकार्डिया इनका काफी फेमस ब्रांड है। इट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिकेशन यूज्ड टू मैनेज एंजाइना, ठीक है ना। एंजाइना क्या होता है, चेस्ट का एक खास तरह का पेन होता है, उसमें क्या होता है जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा और मसल्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एंजाइना। पढ़ेंगे अभी आगे, हाई बीपी, रेनॉल्ड्स फिनोमेना है ना, एंड प्रीमैच्योर लिवर, सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। निफेडिपिन इज टेकन बाय माउथ, ठीक है, एंड कम्स इन फास्ट एंड स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन, बहुत जल्दी या बहुत धीमे दोनों रूप में आता है, जल्दी काम करना है, धीमा काम करना है। ओके, केमिकल नेम की बात करें हम लोग इसकी, तो ये रहा हमारे पास केमिकल नेम। तो देखो यहाँ पर अगर हम ग्रुप की बात करें तो जो ग्रुप है हमारे पास वो क्या है, डाइकार्बोक्सिलेट, ठीक है ना, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, ठीक है। तो डाइहाइड्रोपाइरिडीन, ये आ गया मेरे पास पाइरिडीन ग्रुप, क्लियर है, दिस इज द पाइरिडीन ग्रुप। नाउ स्टार्ट करें अगर इसको हम लोग, तो 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन यानी कि 1 और 4, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, सैचुरेशन पूरा है हमारे पास, ठीक है ना, सैचुरेशन पूरा है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देन 1, 2, 3, 4 and 5 and 6, तो देखो जरा 3 और 5 पर पता चलेगा, 3 और 5 पे क्या, डाइकार्बोक्सिलेट, ये COO, ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन इधर है, कार्बोक्सिलेट किधर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और CH3 डाइकार्बोक्सिलेट। अब देखो फिर क्या कह रहा है, उतनी कहानी में खत्म हो गई, अब क्या कह रहा है, ओके 4 पर क्या लगा हुआ है, 2 नाइट्रोफिनाइल, दिस इज नाइट्रो NO2, दिस इज नाइट्रो, और 4 पे क्या लगा हुआ, फिनाइल लगा हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है, डाइमिथाइल 2,6-डाइमिथाइल, एक्चुअल में क्या है, ये मिथाइल और ये मिथाइल, इसको यहां पे लिखना चाहिए कायदे में, डाइकार्बोक्सिलेट है ना, डाइमिथाइल, ये डाइमिथाइल, इन दोनों डाइमिथाइल का है, फिर है 2,6-डाइमिथाइल, 2,6-डाइमिथाइल ये रहा, देन 4 पर क्या लगा हुआ है, 1 और 2, 2 नाइट्रोफिनाइल, इस तरीके से इसकी क्या है, ये नेमिंग है। आगे देखिए यूज की बात करो तो यूज देखो वही सारे सेम है हमारे पास, ठीक है, टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, एंजाइना का पेन के लिए है, ओकेजनली यूज टू ट्रीट रेनॉल्ड्स फिनोमेना एंड चिलब्लेन्स। क्या है ये चिलब्लेन्स और रेनॉल्ड्स फिनोमेना, तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना इज द प्रॉब्लम दैट कॉजेस डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द फिंगर, फिंगर्स में जब ब्लड का फ्लो काफी कम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं, फिंगर में हो जाए। इन सम केसेस इट इज आल्सो कॉजेस लेस ब्लड फ्लो टू ईयर, टो और निपल, यहां पे भी कई बार क्या होता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है, नीज में हो सकता है, नोज में हो सकता है, दिस हैपेंस ड्यू टू स्पैस्म ऑफ ब्लड वेसल इन दोस एरिया, वहां पे जो ब्लड वेसल का एडना, ब्लड ऐसे एड रही है तो सुकड़ रही है, सुकड़ने की वजह से ब्लड का फ्लो क्या हो गया, कम हो गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ चिल्ब्लियंस क्या है, अगर मैं चिल्ब्लियंस की बात करूं, ओके, तो चिल्ब्लियंस आता पेनफुल इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन एक तरह का इंफेक्शन मान लो, ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स अगर इंफेक्टेड हो जाए, उनमें इंफेक्शन हो जाए किसी टाइप का, तो उसे क्या कहते हैं, चिल्ब्लियंस कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दर्द होता है काफी, उस केस में भी हमारे पास क्या होता है, बीपी हमारा हाई कर जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, सुगड़ जाती है वो, बीपी हाई हो जाएगा, तो उस केस में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इस दवा का। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट कैप्सूल है, ब्रांड नेम की बात करें तो अदालत, अदालत रिटार्ड, एनजी ब्लॉक और एनजी फाइन एसआर, क्लियर है। ये हमारे पास था पार्ट वन, नाउ द पार्ट टू इज एंटी एंजाइनल एजेंट, है ना, इसमें एक ही ड्रग है हमारे कोर्स में, देखते हैं। पहली बात एंजाइना, मैंने ये बताया था एंजाइना क्या होता है, ब्लड कैपिलरी उनके अंदर क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, किसी वजह से ब्लड कैपिलरी ब्लॉक हो रही है, ठीक है, तो हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, और हार्ट की मसल में जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहां पर क्या डैमेज हो सकता है, ठीक है, काम करना बंद कर सकती है। तो वही सारी कहानी, देखो क्या है ये, समझते हैं इसको हम लोग।
क्या कह रहा है, एंजाइना आल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस, तो एंजाइना पेक्टोरिस नाम कई बार तुम लोग सुनते हो, वो भी इसी का नाम है, इज चेस्ट पेन और प्रेशर। चेस्ट का पेन या प्रेशर है अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये किसका सिम्टम है? कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो हार्ट हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है वो जो ब्लॉक होती है, यूजुअली ड्यू टू इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, जो पर्याप्त ना हो ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। इनसफिशिएंट मतलब पर्याप्त ना होना, ठीक है। अब यहीं पे टर्म आ गया था कोरोनरी हार्ट डिजीज, क्या होती है कोरोनरी हार्ट डिजीज, इसको भी देख लेते हैं। एंजाइना बात समझ में आ गया, पेन, चेस्ट पेन को एंजाइना कहा जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। क्यों सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, आओ देखते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी आर आल्सो कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। इस्केमिक, इस्केमिक वर्ड का मतलब होता है लैक, मतलब कमी ऑफ ब्लड, खून की कमी, एंड हेंस लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब खून की कमी हो जाएगी कहीं पर तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इस्केमिक, ठीक है ना। आईएसडी मायोकार्डियल इस्केमिया, मायोकार्डियल मतलब हार्ट की जो मसल है, और सिंपली हार्ट डिजीज। तो कई सारे नाम है इसके, ठीक है, अलग अलग नाम से इसको बुला सकते हैं। इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो के रिडक्शन हो जाता है, यानी कि कमी पड़ जाती है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो में रिडक्शन आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल में ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, ड्यू टू बिल्डअप ऑफ प्लेक। प्लेक क्या होता है, प्लेक को दूसरा नाम एथेरोस्क्लेरोसिस भी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो फैट डिपॉजिट हुआ था कोलेस्ट्रॉल, जो क्या डिपॉजिट हुआ था कोलेस्ट्रॉल, ये देखो ये है, ये फैट, जो फैट डिपॉजिट हो गया है, यही क्या है, ये पहले इसका डायमीटर अगर मैं देखूं तो यहां से लेकर के ये डायमीटर है पूरा, लेकिन अब डायमीटर केवल कितना रह गया, इतना रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लेक जमा हो गया, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई है कम हो जाएगी। ओके, ये देखो यहाँ पर ये हमारा पार्ट जो दिखा रखा है, इसको निकाल करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, क्लियर है। द मोस्ट कॉमन ऑफ द कार्डियो, ठीक है, ड्यू टू बिल्डअप प्लेक इन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट, इट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर में सबसे ज्यादा कॉमन होता है आर्टरीज के अंदर फैट का डिपॉजिशन हो जाना, क्लियर। क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो एंटी एंजाइनल एजेंट्स को हम लोग नाइट्रेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्टीमेटली है क्या, यहाँ पे भी क्या है, जब आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो हमें फैलाना है, ये सारी चीज किसमें काम करेगी, वेसल्स को फैलाने के लिए, ठीक है। इनके एग्जांपल तुम याद कर सकते हो, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, पता ही क्या काम करते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर्स एंड अदर। तो ये तुम्हारे पास क्या है, क्लासिफिकेशंस है जो तुमको याद कर लेनी है, नाम के साथ फंक्शन सबको पता ही है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे कोर्स में है उसको हम थोड़ा डिटेल में ले लेंगे, क्लियर है। आओ आगे आते हैं, आइसोरबाइट, क्या नाम है इसका, आइसोरबाइट डाइनाइट्रेट इज द डाइनाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म ऑफ आइसोसॉर्बाइट। आइसोसॉर्बाइट का डाइनाइट्रेट सॉल्ट होता है, एन ऑर्गेनिक नाइट्रेट विद वैसोडायलेटर एक्टिविटी। वैसोडायलेटर मतलब नसों को फैलाने वाला। आइसोसॉर्बाइट डाइनाइट्रेट रिलैक्स कर देता है वास्कुलर स्मूथ मसल्स को, मसल्स को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा, खून की सप्लाई खूब सारी होने लगेगी, ठीक है। बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड, ये काम कैसे करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लड वेसल को फैलने में हेल्प करेगी। ओके, इन एडिशन आइसोसॉर्बाइट डाइनाइट्रेट रिलैक्सेस कोरोनरी आर्टरी, तो कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट में थी ना, देख रहे थे हम लोग, उसको भी रिलैक्स कर देगी। उसके रिलैक्स होने से ये क्या कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। तो कहां ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करना है, इस्केमिक एरिया, जहां पे ऑक्सीजन की कमी थी उन एरिया में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी जब ये इसको डायलेट कर देगा, क्लियर है बातें। आइसोसॉर्बाइट डाइनाइट्रेट इज यूज्ड फॉर हार्ट फेलियर, इसोफेगियल स्पास्म एंड इसोफेगियल, है ना, जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें अगर एटेंसी आ रही हो, एंड ट्रीट एंड प्रिवेंट द चेस्ट पेन। ये हमारे पास मेन है, एंजाइना है तो हमें ये देना पड़ेगा, चेस्ट पेन फ्रॉम नॉट इनफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट। कहां से चेस्ट पेन हो रहा है, कि हमारे उसमें ब्लड का फ्लो जो है पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से हार्ट चेस्ट में पेन हो रहा है, उससे हमें राहत देता है। केमिकल नेम की बात करें तो थोड़ा सा इसका केमिकल नेम अलग है, ठीक है, ग्लूसिटोल। एक्चुअली है क्या, ये स्ट्रक्चर जो है मेरा ग्लूकोज से बनता है, किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ग्लूसिटोल कहलाता है। यहाँ पे नेमिंग की बात कर लो तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो वन से स्टार्ट हुआ, पहला जॉइंट कहाँ आ गया, 1:4 गड़बड़ हो गई, 4:6 यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
ठीक है, ये हो जाएगा 1.3:4.6, ठीक है 1.3:4.6 यानी कि पहला जॉइंट और फिर यहां से दूसरा जॉइंट डाई एनहाइड्रो 2,5। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 टू और 5 पे क्या लगा डाई ओ नाइट्रो और डी, डी क्या होता है डी रिप्रेजेंट करता है जो इसका लेबोरेटरी और रेस्पिरेटरी वाला पार्ट होता है उसको डी रिप्रेजेंट करता है और ग्लूसिटॉल, ये स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास ग्लूसिटॉल है। क्लियर है, तो कोर्स में नहीं है स्ट्रक्चर इसका इतना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे आते हैं यूजर्स की बात करें, आइसोसोर्बाइड डाइलेटेड यूज टू प्रिवेंट एंजाइना चेस्ट पेन कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी डिजीज। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन तीनों फॉर्म में है। ब्रांड नेम की बात करें तो डायलाट्रेट एसआर, आइसोक्रोनन, आइसोडाइट्रेट और आइसोल्डिल टिट्राडोज, नाम बड़े अजीब है। क्लियर है, ओके नेक्स्ट लेक्चर डायबिटिक चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 7 हमारे पास बच्चों क्या हो जाता है खत्म हो जाता है और क्या चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा। आप लोगों को क्या काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना है, पढ़ना है और तीनों को रिवाइज करना है। फिर कह रहा हूं जिसको अगर कोई डाउट है कमेंट में मेरे को बताए, ठीक है, और मैं उसको डाउट क्या करूंगा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत छोटे लेक्चर में ले लूंगा मैं, जो डाउट होंगे उसके 5-5-10 मिनट के लेक्चर में लेकर मैं डाल दूंगा। इन चीजों कोई डाउट होता है या कमेंट में पूछ लो, मैं कमेंट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके ऑल द बेस्ट।